गिरिराज सिंह का नीतीश सरकार पर हमला, बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। गिरिराज सिंह ने यह बयान दिया। बिहार आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। यूपीए से कई गुना राशि बिहार को सरकार दे रही है, गरीबों को आवास नहीं दे पा रही है बिहार सरकार। तो फिलहाल देखिए बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, जहां गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। गिरिराज ने साफ तौर पर कहा कि बिहार आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। यूपीए से कई गुना ज्यादा राशि बिहार को सरकार देती है, गरीबों को आवास तक अब तक नीतीश सरकार नहीं उपलब्ध करा पाई है। ये तो काने के मन भेल ताक में गड़ल खुट्टी। नीतीश कुमार जो पैसा दे रहे हैं, विकास करना नहीं है, लोगों को भरमाना है कि बिहार सरकार को कोसने के लिए कुछ और है नहीं, तो वो केवल बिहार के का विशेष राज्य का दर्जा, गरीब को घर क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं कागज के साथ, ये 1,61,000 घरों को अब तक क्यों नहीं दिया? अपने गद्दी को बचाने में लगे हुए हैं। जब डबल इंजन की सरकार थी तो 25,000 मकान प्रतिदिन बन रहा था और आज 2,000 मकान बन रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं। रितेश, देखिए फिलहाल गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार को घेरा और साथ ही कहा कि बिहार की बदहाली का कारण अगर कोई है तो वो शख्स है नीतीश कुमार। देखिए, अगर हालिया दिनों में देखा जाए तो बीजेपी के नेता लगातार आक्रामक हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर देखा जाए इधर हाल के दिनों में तो जितने भी महागठबंधन के नेता हैं, खास तौर से जेडीयू कोटे के जो मंत्री हैं, वो लगातार केंद्र सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की तरफ से राशि आवंटित नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बिहार का विकास जो है वो अवरुद्ध हो रहा है। जान के केंद्र सरकार के जो लोग हैं वो साजिश कर रहे हैं, बिहार को पैसा नहीं दे रहे हैं, इस वजह से बिहार के कई सारे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी थी वैसे ही ये आरोप लगने शुरू हो गए थे, लेकिन बीजेपी पहली बार इस पर आई है सामने। और देखिए कि गिरिराज सिंह जब भी बिहार में आते हैं, केंद्र में मंत्री हैं, मंत्रालय की बात नहीं करते थे, लगातार वो राजनीतिक बयानबाजी ही करते थे, लेकिन आज वो आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा सबसे पहले ये कहा कि आज किसी भी राजनीतिक मसले पर मैं बयानबाजी नहीं करूंगा, बिहार सरकार के जो मंत्री आरोप लगाते हैं उस पर मैं सिलसिलेवार तरीके से जवाब दूंगा। और उन्होंने एक एक बात का जवाब दिया, जो भी आरोप लगे हैं उसका जवाब दिया, आंकड़ों के जरिए जवाब दिया कि कहां पे कितनी राशि केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को आवंटित की है। बिहार सरकार पर उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि बिहार सरकार को तो केंद्र सरकार राशि आवंटित कर रही है लेकिन बिहार सरकार जो है वो पैसे खर्च नहीं कर पा रही है। कई सारी जगहों पर बिहार सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन आवंटित नहीं कर पा रही है, जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब बिहार में भले ही देखा जाए कि लोकसभा चुनाव में 1 साल से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन नूरा कुश्ती अभी से ही शुरू हो चुकी है। दोनों जो घटक दल हैं उन्होंने अभी से ही जोर आजमाइश शुरू कर दी है और बजट सत्र भी बिहार का शुरू होने वाला है, लिहाजा जिसमें दम भर कर देखे कि जो विपक्षी बीजेपी है वो सरकार पर हमलावर होगी और बिहार सरकार भी इस पर पूरी तरीके से तैयार बैठी है कि जितना भी ठीकड़ा है कि बिहार में ये काम अगर नहीं हो रहा है, अगर विकास कार्य में ब्रेक लग रहा है तो इसका पूरा ठीकड़ा जो है वो केंद्र सरकार के मथे मर दो। और इसी को लेकर आप देखिए कि केंद्रीय जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बकायदा एक एक बात उन्होंने साझा की प्रेस से। चलिए ठीक है रितेश, अगर गिरिराज सिंह के बात से हम सहमत हो भी जाएं, जिस तरह उन्होंने आरोप लगाए बिहार सरकार पर, तो जब एनडीए की सरकार थी तब भी मुझे लगता है एनडीए की सरकार में और आज जब महागठबंधन की सरकार है, कोई बहुत बड़ा फर्क बिहार की तस्वीर में या फिर सूरत में कोई बहुत बड़ा फर्क तो आया नहीं है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, पहले
जब बीजेपी सरकार में साथ थी तो हाँ। डबल इंजन की बात कहा करती थी हाँ। कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की रफ्तार में जो विकास होना चाहिए था वो बीजेपी भी नहीं कर सकी। अब देखिए कि गठबंधन से बाहर है, सरकार से बाहर है, तो आज बीजेपी आरोप लगा रही है। लेकिन बीजेपी नेताओं को ये भी बताना होगा कि जब आप सरकार में थे तब यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए आपने क्या किया, कितने इंडस्ट्रीज आपने लाया यहाँ पर, कितनी फैक्ट्रियों को आपने खोला, कितने पलायन को आपने रोका। क्योंकि देखिए एक दो साल बीजेपी जो है वो बिहार सरकार में नहीं रही थी, 13 साल से ज्यादा का समय आपने बिहार सरकार के साथ निकाला है, जिसमें 9 साल से केंद्र में आपकी सरकार है और अब आप बिहार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की कार्यशैली पर भी सवाल उठेंगे। क्योंकि इतने लंबे समय से आप केंद्र में है, बिहार में है, और बिहार वहां का ही वहां बना हुआ है। बिल्कुल रितेश, देखिए चलिए अगर हम किसी भी मुद्दे की बात ना भी करें, और शराबबंदी का मुद्दा जिस तरह से एनडीए में टूट होने के बाद उठाया गया था, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मुखर होकर इस मुद्दे को उठाया था, गुजरात की बात देख लीजिए ना, गुजरात में किस तरह से शराबबंदी सफल है, आखिर उसी सफल शराबबंदी को बिहार में सफल बना पाने में आखिर जब एनडीए की सरकार थी तब भी तो सक्षम नहीं बन पाई बीजेपी। देखिए बीजेपी अगर देखा जाए तो बिहार में थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति में रहती है, क्योंकि बिहार में कब क्या होगा, कौन सरकार में आएगा, कौन विपक्ष में रहेगा, ये कहना मुश्किल है। जब 2013 में बीजेपी विपक्ष में आई तब देखिए कि अपनी ही सरकार की नीतियों पर, अपने ही फैसलों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, लेकिन सरकार में दोबारा 2017 में वापसी हो गई और उसके बाद बीजेपी जो है वो डबल इंजन का राग अलापने लगी। अब फिर से सरकार से बाहर है तो आप एक जगह तो आपकी जहां पर सरकार है गुजरात में वहां शराबबंदी का आप समर्थन कर रहे हैं, बिहार में उसी शराबबंदी का आप विरोध करते हैं, तो ये दोहरी नीति है और इसे अब धीरे धीरे बिहार की जनता समझने लगी है और यही कारण है कि बिहार की जनता भी सब कुछ खास खामोश होकर देख और सुन रही है और इस बार उसे पता है कि किसे सबक सिखाना है और किसे किसके ऊपर भरोसा करना है। बिल्कुल रितेश, देखिए अब जनता भी जानती है कि जो कुर्सी है उसके लोभ में ये एक पॉलिटिकल स्टंट है और पॉलिटिकल स्टंट के कारण ही इस तरह की बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।